उड़ान एक आशा फाउंडेशन अपने स्थापना दिवस पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान करती है। आर्यनगर स्थित क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मेधावियों के सम्मान के साथ उनका हौसला बढ़ाया गया। यहां पर बताया गया कि आज से 6 साल पूर्व उड़ान एक आशा संगठन बनाया गया था। इसको लेकर संस्था के सदस्यों का उत्साह भी चरम पर देखा गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो बोर्ड परीक्षाओं में 90% से ज्यादा अंक लाए हैं। स्थापना दिवस के दौरान यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा यहां पर तमाम तरह के गेम्स भी आयोजित हुए। मोटिवेशनल स्पीकर अरुणेंद्र सोनी ने भी यहां पर आए हुए मेधावियों का हौसला बढ़ाया। बताया गया कि उन्हें किस तरह अपने लक्ष्य को तय कर आगे बढ़ना है। मैं यहाँ उड़ान फाउंडेशन के फेलिसिटेशन इवेंट में आई हूँ। मुझे यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है क्योंकि मेरे क्लास 10 के बोर्ड्स में 99.2% आए हैं। जयपुरिया स्कूल की स्टूडेंट हूँ मैं, वहाँ पे मेरे 99.2% आए। क्या फ्यूचर गोल सेट किए हैं? मैंने अभी स्ट्रीम साइंस चूज करी है और अभी मैं डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हूँ, नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर हम उन बच्चों का अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने क्लास 10th और 12th में बहुत हाई स्कोर लाके अपने परिवार, अपने स्कूल, अपने समाज का नाम रोशन किया है। वो आज सारे बच्चे हमारे साथ हैं और ये लगातार हम 2-3 वर्षों से हमने ये स्टार्ट किया है कि हम उन बच्चों को बुलाएं जो हमारे कानपुर शहर का गौरव हैं।